नमस्कार, स्वागत है आपका माई ज्योतिष में। पेड़ पौधे को सनातन धर्म में भगवान का दर्जा दिया गया है, इसलिए इनकी पूजा भी की जाती है। ये हमारे लिए जीवनदायी का काम करते हैं, हमें शुद्ध हवा देते हैं। लेकिन पेड़ पौधे भी हमारे जीवन में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार की ऊर्जा देते हैं। वास्तु के मुताबिक कुछ पेड़ पौधे ऐसे हैं जिनको घर के आंगन, बगीचे या घर के आसपास लगाना बिल्कुल अशुभ माना गया है। ऐसे पेड़ पौधों को लगाने से माँ लक्ष्मी का घर में वास नहीं होता है और माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं, जिससे घर में संकट छाने लगता है। ये पेड़ हमारे जीवन में तरक्की के रास्ते को रोक देते हैं। इन सभी समस्याओं से बचने के लिए वास्तु के द्वारा बताए गए नियमों का पालन करना चाहिए। वास्तु के नियम का पालन ना करने से घर में नकारात्मकता आती है। बबूल का पेड़ इन सभी पेड़ों में सबसे पहले आता है। वैसे तो बबूल के पेड़ का आयुर्वेदिक में बहुत बड़ा महत्व है, लेकिन इस पेड़ को घर के आंगन या घर के आसपास बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए। बबूल के पेड़ में कांटा बहुत होता है और घर में किसी भी प्रकार के कांटेदार पेड़ पौधे नहीं लगाने चाहिए। हालांकि गुलाब का पौधा अपवाद है, क्योंकि माँ लक्ष्मी को गुलाब का फूल बहुत ही लोकप्रिय है। बेर का पेड़, अगर आपके घर या घर के आसपास बेर का पौधा है तो आप इस पेड़ को जितना जल्दी हो सके हटवा दें। यह पेड़ जहाँ रहता है वहाँ पर नकारात्मक ऊर्जा ही छोड़ता है, क्योंकि इस पेड़ पर नकारात्मक शक्तियों का ही वास होता है। खजूर का पेड़, खजूर का पेड़ जहाँ भी होता है उस स्थान की खूबसूरती में चार चांद लग जाते हैं। यही कारण है कि बहुत सारे लोग इस पौधे को अपने घर में आंगन या घर के आसपास लगाते हैं। लेकिन वास्तु के मुताबिक खजूर का पेड़ घर में रहता है तो पैसे पानी की तरह बहते हैं। बोनसाई पौधे, बोनसाई के पौधों को लोग अक्सर सजावट के लिए लाते हैं। ये पौधे जिस भी घर में होते हैं वहां लोगों की सफलता में रुकावट पैदा कर देते हैं।